नहीं आ सका ऑपरेशन होने की वजह से। लेकिन इस बार जब मैं सत्संग शरीफ के इजरा के मौके से हाजिर हुआ तो साहिब सज्जादा इंतखाबुल मशाइख हुज़ूर सैयदी इंतखाब आलम शहबाज़ी साहब को अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत आप हमारे पुराने लोगों में हैं, कुछ नहीं तो आकर बैठ जाएंगे, बस इतना कीजिए कि आप आकर बैठ जाएंगे, कम से कम यही सीख लें कि अपनों को छोड़ा नहीं जाता। वाह, ये इंतखाब मियां ने कहा था कि अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब वाकई ये उनका जुमला था और फिर उसके बाद चुन्नू भाई और उनके अराकीन ने मोहब्बत भरा पैगाम दिया तो मैं आंख बंद करके इसलिए चला आया कि आप हजरात से मुलाकात हो जाएगी और साथ साथ मुझे सत्यम शरीफ के इजरा के मौके से जो तासुरात मिले थे उसका इजहार कर पाऊँगा। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो गुफ्तगू रहेगी। बस इन चंद जुमलों की जहमत के साथ हमारी ज़िंदगी तो बस चंद शेरों के साथ है। अगर आप इजाज़त दें, अभी रबी उम्र में मेरी एक किताब खालिस मनकबत की जी खुलफाए राशिदीन से लेकर मौजूदा बुजुर्गाने दीन तक, उसमें सैयदना शहबाज मोहम्मद की भी एक मनकबत जी जी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने बुजुर्गों की आस्थाने से जुड़े हुए। सुभानअल्लाह, एक मजमुआ तैयार हो गया है। असद इकबाल साहब ने बड़ी कर्म फरमाई थी कि छपवा दिया वरना मैं तो छुप गया। अब बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से मुझे जिंदगी नहीं मिली है तो उसका नजराना पेश कर दूं। पहले साहबजादे का कर्म था कि बताइए तो सही बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा, बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा, वो बशर कहाँ होगा है पांव अर्श से ऊपर तो सर कहाँ होगा। वाह, बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा है पांव अर्श है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा, तो सर कहाँ होगा बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। मिसरा सुनते ही सोचो जिगर कहाँ होगा, बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा है पांव अर्श पर तो सर कहाँ होगा। एक नाथ के कुछ शेर हैं, जल्दी जल्दी मैं सुना दूँ इसलिए कि असद इकबाल को मुझे एक पसंदीदा नात सुननी है बेदम शाह वारसी जी। हाँ, मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर सुना दूँ। सुरमाए फाते मदीना, देखो शायरी हम लोगों ने जो शहबाज़े खिताबत के दामन में बैठ कर के सुनी है, सुरमाए फाते मदीना उसका रंग इसको कहते हैं। सुरमाए खाके मदीना, सुरमा खाके मदीना का सुरमा, सुरमाए खाके मदीना तीलियां ईमान की। वाह, सुरमाए खाके मदीना तीलियां ईमान की, तीलियां ईमान की अपनी आंखों में तो भर ले बिजलियां ईमान की। वाह वाह वाह, अपनी आंखों में सुरमाए फाते मदीना कितनिया ईमान की, अपनी आंखों में तो भर ले बिजलियां ईमान की, बिजलियां ईमान की अपनी आंखों में तो भर ले बिजलियां ईमान की, बिजलियां ईमान की। और हमारे मकरूम दादे हैं यहाँ, मैं इन्हीं के हवाले से ये शेर पढ़ सकता हूँ। मात खा सकती नहीं हर किस यजीदी फौज से, मार खा सकती नहीं हर किस यजीदी फौज से, हर किस यजीदी फौज से
पांचवे अब्बास में है मछलियां ईमान वाह 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 पांचवे अब्बास में है मछलियां ईमान वाह वाह बाजुए पास में है मछलियां वाह ईमान की ताजा ताजा बाबे जन्नत से हवाएं आई आहा बोलो सुभान अल्लाह ताजा ताजा खिड़की खुलेगी मदीने की ताजा ताजा बाबे जन्नत से हवाएं आएंगी जिनके सीने में खुलेंगी खिड़कियां ईमान जिनके सीने में खुलेंगी खिड़कियां ईमान और आखिरी खिड़कियां ईमान की कुंचाए अहले नबुव्वत को सुनाती है दुरूद कुंचाए है दुरूद अहले नबुव्वत को मुक्ति साहब कुंचाए अहले नबुव्वत को सुनाती है दुरूद शाखे ईमान पर मचलती तितलियां ईमान वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तितलियां ईमान की शाखे ईमान ईमान की सुभान अल्लाह मचलती तितलियां ईमान सुभान अल्लाह चकार मियां ये इस शेर की कुर्बत आता मार्फत की कितनी किरणें खोलती है द पतंग मार्फत की कितनी किरणें दादा मियां तो किसी ने देखा होगा पताक भर उसे सुना होगा पढ़ा होगा और उनके चेहरे की तरफ देखा होगा जिसने वही ये शेर कह सकता है मार्फत की कितनी किरणें खोलती है द पतंग औलिया के चेहरों पर है झुर्रियां ईमान ईमान की औलिया के चेहरों पर है झुर्रियां ईमान की और आखिरी शेर सुनिए ये मैं अपने इन शहजादों की तरफ से आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ सुनो भाई और आपकी पूरी तंजीम की तरफ से ये शेर इसलिए कि अब आऊंगा कि नहीं आऊंगा कोई ठिकाना नहीं है लेकिन शेर दे के जा रहा हूं पूछिए हसनैन से अल्लाह पढ़कर तहज्जुद की नमाज पूछिए हसनैन से पढ़कर तहज्जुद की नमाज पढ़कर तहज्जुद की नमाज फातिमा जिनको सुनाई नूरिया ईमान से पूछिए हसनैन से पढ़कर तहज्जुद की नमाज पूछिए हसनैन से पढ़कर तहज्जुद की नमाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फातिमा जिनको सुनाई लोरियां ईमान की फातिमा जिनको सुनाई लोरियां ईमान की आत्मा जिनको सुनाई लोरियां ईमान की और हमारे दरमियान शेखुल हदीस बैठे हुए हैं और इतने बड़े उस्ताद के लिए कि आज खानकाह शहबाजी की जो नई बस तैयार हुई है मैं जानता हूं कि इनमें इनका कनेक्शन शामिल शहबाज इन्हें बड़ी नजाकतों के साथ लाया था अब उससे कह रहे थे मुफ्ती साहब को ला रहा हूँ सत्यम शरीफ का काम करना है और अल्लाह का फल है कि हो गया अब ये हदीस के जो साठ सरकार से बराह राज साथ में सरकारें मखदूमें शहबाज ने जो हदीस पाक की समाअत की और तजल्लियां हासिल की वो एक मजमुआ जो तैयार हुआ है तो उस हदीस की कैफियत क्या है इतना
पूछिए मुस्तफा से, पूछिए मुस्तफा से, पूछिए वही ये खुदा की कैफियत। ये कोई शेख उल हदीस ही बता सकेगा। मुस्तफा से पूछिए वही ये खुदा की कैफियत, वही ये खुदा की कैफियत। कोशे अनवर में बजी की घंटिया ईमान की, कोशे अनवर में बजी थी घंटियां ईमान की, गोशे अनवर ईमान की। जब नुज़ूले आयत होती थी जी जी तो ऐसा लगता था कि जैसे कान में छाए छाए की आवाज घंटी बजी जी सका। उसी रिवायत को यहाँ बयान किया गया है कि पूछिए मुस्तफा से, पूछिए वही खुदा की कैफियत। गोशे अनवर में भरी थी घंटियां ईमान की, और सारे मुसलमानों का अकीदा है खुद रहे भूखे मगर वो मन्नो सलमा के अमीर, खुद रहे भूखे मगर वो मन्नो सलमा के अमीर, पेट भर सबको खिलाई रोटियां ईमान की। खुद रहे मगर वो मन्नो सलवा के अमीन, खुद रहे भूखे मगर वो मन्नो सलवा के अमीन, पेट भर सबको खिलाई रोटियां रोटियां ईमान की। आज भी आवाज देती है हरी में बेनवा, काबा और तैबा की नूरी वादियां ईमान की, काबा और तैबा की नूरी वादियां ईमान की। आइए ईमान से क्या क्या काफिया इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। असल में जो ईमान वाला होगा वही समझेगा। वाह वाह ईमान तक पहुँचना, इस ईमान को अगर नगमा बन जाए, अब वो नगमा अगर असद इकबाल बन जाए तो मजा आ जाए। लीजिए मुलाकात की।